तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं मोटर प्रिज्म। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं गेम को जिसका नाम है पॉपी प्ले टाइम। वेल बेसिकली ये पॉपी प्ले टाइम का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है अ टाइट स्क्वीज, और इसके जो बाकी चैप्टर है वो हमें फ्यूचर में जल्दी ही देखने को मिलेंगे। और तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक स्पॉइलर अलर्ट की वार्निंग देना चाहूंगा, क्योंकि हम गेम के रिलेटेड काफी सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं, तो आप लोग देख लेना। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी लाइन को लेकर। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर गेम की, और या फिर मैं बोलूं इस चैप्टर की जो स्टोरी लाइन है वो काफी ज्यादा शॉर्ट है, लेकिन इस चीज को जो इंटरेस्टिंग बनाता है वो है इसकी एंडिंग, जो कि इसे बाकी चैप्टर के साथ कनेक्टिव भी करता है और हमें एक क्लिफ हैंगर में भी छोड़ के चले जाता है। तो चैप्टर की स्टोरी लाइन के हिसाब से हम प्ले टाइम कॉर्पोरेशन के एक्स एम्प्लॉय रहते हैं, जो कि कुछ सालों के बाद इस फैक्ट्री में वापस आता है इन्वेस्टिगेशन करने। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी लोग थे वो बहुत ही मिस्टीरियस और सस्पिशियस तरीके से गायब हो जाते हैं। और इसमें अजीब बात तो ये है कि इनमें से कोई भी आदमी बिल्डिंग के बाहर नहीं, वो सब अंदर ही अंदर गायब हो गए। अब यही सब जानने के लिए वो एक्स एम्प्लॉय उस फैक्ट्री में आया रहता है। एंड यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि ये सब कर क्यों रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन कर ही क्यों रहा है, जिसके पीछे मेरा एक पर्सनल थ्योरी है जिसे मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहे। वेल गेम प्ले शुरू हो रहा है और हमें अपना कैरेक्टर फैक्ट्री के अंदर जाते हुए दिखता है। जहाँ पर वो जब फैक्ट्री के अंदर जाता है तो वो एक चीज नोटिस करता है कि वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है वो अभी भी है, और विच इज काइंड ऑफ वियर्ड, क्योंकि जो फैक्ट्री है वो काफी सालों से बंद है, तो ये अभी भी कैसे चालू है? वेल इसके बारे में कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन है नहीं, और हमारा प्लेयर वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है। उसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो एक डोर तक पहुंचता है जिसको ओपन करने के लिए एक स्पेशल टूल की जरूरत है। वहां पर अपनी सर्चिंग शुरू करता है, उसे एक कैसेट मिलता है। फिर वही आसपास एक टीवी रहता है, उसमें वो कैसेट डाल के जब उसे देखता है तो उसमें एक स्पेशल टूल के बारे में बताया जाता है जिसकी जो रीच है वो काफी मीटर तक जा सकती है, वो ह्यूमन पोटेंशियल से ज्यादा वजन को कैरी कर सकता है, प्लस वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भी पहुंचा सकता है। अब वो देखने के बाद साइड से जो एक डोर है वो ओपन होता है और उसके अंदर वो एक टूल रहता है जो कि कुछ टॉय टाइप का दिखता है, जिसका हाथ है। वह ये दिखने में काफी ज्यादा टॉय टाइप का लगता है, लेकिन इसकी जो पोटेंशियल है काफी अच्छी है। उसकी वजह से वो डोर ओपन करता है और अंदर जाता है, जहां पर हमें कुछ पजल सॉल्व करना रहता है। और वो सॉल्व करने के बाद हमें टूल का सेकंड पार्ट भी मिल जाता है, जिससे हमारा टूल जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। फिर वहां से हम निकल के फैक्ट्री के मेन एरिया तक पहुंचते हैं, जहां पर सारे टॉयज का प्रोडक्शन होता है, जहां कुछ पजल सॉल्व करके हमें दरवाजा ओपन करना रहता है। और जब हम दरवाजा ओपन करके सीधे सीधे जाते हैं, सडनली विदाउट एनी वार्निंग हबी बॉबी वहां पर धीरे धीरे चलते हुए आ जाता है। एंड नाउ हम लोग पूरी तरह से अब डर चुके हैं, और अभी हमें ये सोचना है कि यहाँ से निकले कैसे। जैसे ही हम उससे भागने की कोशिश करते हैं और बाहर निकलते हैं, हमें सडनली दिखता है कि एक वेंटिलेटर डोर है वो ओपन हो चुका है। फिर हम एज ए प्लेयर वेंटिलेटर के थ्रू भागने की कोशिश करते हैं और हमें फील होता है कि हम सेफ है, लेकिन इस चीज को गलत साबित करते हुए हबी बॉबी भी वहां पर आ जाता है, और वो भी हमारा पीछा करता है, वो भी फुल फोर्स के साथ। और अब हमारे पास कोई चांस नहीं है, हमें भागते रहना पड़ेगा, और अगर हम कहीं भी पॉज हो गए ना वो हमें कैचअप कर लेगा। तो काफी ज्यादा भागदौड़ और मेहनत के बाद हम जब एक ओपन एरिया में पहुंचते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि एरिया वहां पर खत्म हो जाता है और वहीं पर हम फंस के रह जाते हैं, लेकिन हमें उस ऊपर में एक वुडन बॉक्स दिखता है। फिर हबीब अभी हमारे कैरेक्टर पर अटैक करने ही वाला रहता है कि हमारा कैरेक्टर उस वुडन बॉक्स को पुश करता है और वो डायरेक्टली हबीब अभी के ऊपर ड्रॉप होता है, जिससे वो काफी फिर नीचे गिर जाता है और हमें फाइनली उससे छुटकारा मिलता है। लेकिन हम तब भी श्योर नहीं है कि वो पूरी तरह से खत्म हुआ है कि नहीं। इसके बाद हम आगे बढ़ते रहते हैं कमरे में, और हमें एक सीक्रेट पैसेज मिलता है जो कि हमें एक डोर तक लेके जाता है। जैसे हम डोर को ओपन करते हैं और अंदर जाते हैं, हमें एक डॉल दिखती है जो कि केज के अंदर बंद है। हम जैसे उस केज को ओपन करते हैं, हमें वो डॉल ब्लिंक करते हुए दिखती है और वहां पर ब्लैकआउट छा जाता है, और हमें बैकग्राउंड से हल्की सी आवाज आती है जो कि उस डॉल से आ रही थी, और वो बोल रही थी कि तुमने मुझे आजाद कर दिया। और फर्स्ट चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। पहले इसके आगे क्या हुआ हमें वो आगे के चैप्टर में पता चलेगा, जो कि फ्यूचर में आएगा। और इस सीन की स्पेशल बात ये है कि वो डॉल और कोई नहीं बल्कि पॉपी द डॉल है, और पूरा गेम इसी डॉल के अराउंड बना है। तो हमें आगे जाके काफी ही बढ़िया कंटेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं गेम की डिफिकल्टी के ऊपर। तो जो भी चीजें हमें गेम प्ले में देखने को मिलती है वो प्लेयर्स को कुछ भी नया एक्सपीरियंस नहीं कराता। तो अगर किसी प्लेयर ने ऐसे काफी सारे गेम्स पहले से खेल रखे तो उसके लिए ये चीजें सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अलावा जो भी पजल हमें देखने को मिलते हैं वो भी काफी बेसिक लेवल के हैं। बस वो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो टास्क था वो थोड़ा मुझे क्रिएटिव लगा। इसके अलावा जो ओवरऑल जो टाइमिंग वाला था वो काफी जल्दी हो जाता है, यानी कि गेम काफी ही शॉर्टली खत्म हो जाता है, जो कि इसके कंटेंट के हिसाब से हमें उतना अच्छा सेटिस्फाई नहीं करता। लेकिन आई होप कि आगे के जो चैप्टर्स होंगे वो थोड़ा लंबा चले और हमें काफी अच्छा कंटेंट उसमें देखने को मिले। तो चलिए बात करते हैं गेम के ग्राफिक्स के ऊपर। नो डाउट गेम का ग्राफिक्स काफी अच्छा है, इवन दो गेम के ग्राफिक्स ज्यादा रियलिस्टिक नहीं होने के बावजूद भी ये अपने कंटेंट के हिसाब से काफी डिसेंट वर्क करते हैं। जहां पर अगर हम इसके सराउंडिंग या कैरेक्टर डिजाइनिंग की बात कर लो तो काफी
काफी हद तक कार्टूनी लुक देते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से गेम के कंटेंट के साथ ब्लेंड होता है और हमें काफी अच्छा एक्सपीरियंस देता है। तो ये इसका एक वन ऑफ द प्लस पॉइंट मैं बोल के चलूंगा। तो ओवरऑल गेम के मैं सारे एलिमेंट्स को लेकर चलू तो मैं गेम को गुड की कैटेगरी में रखूंगा। इवन तो की गेम में काफी ज्यादा अच्छे पॉइंट्स है, लेकिन उसी के साथ उसके वीक पॉइंट्स भी काफी है, जैसे कि गेम की लेंथ जो कि काफी ज्यादा शॉर्ट है गेम के कंटेंट के हिसाब से। इसके अलावा हम गेम की डिफिकल्टी की बात कर ले या पजल सॉल्विंग की बात कर ले, वो भी काफी बेसिक लेवल की है। और साथ ही साथ गेम में काफी ज्यादा बग है जो कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि बहुत सारे जो गेमर इस गेम को प्ले कर चुके हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। तो हिसाब से ये रेटिंग मेरे हिसाब से परफेक्ट है इस गेम के लिए। तो चलिए बात करते हैं गेम की थ्योरी के ऊपर, जो कि हमने गेम की स्टोरी को एक्सप्लेन करते समय बात की थी, जहां पर प्ले टाइम कॉर्पोरेशन का एक्स एम्प्लॉय वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने आता है। जहां मेरी पर्सनल थ्योरी निकल के ये आती है कि शायद इसका कोई क्लोज रिलेटिव या फिर क्लोज फ्रेंड वहां पर वर्क करता हो, और सभी लोगों की डिसअपीयरेंस के बाद शायद वो काफी कंसर्न हो गया और फिर चेक करने के लिए वहां आया हो, विच इज काइंड ऑफ पॉसिबल। इसके अलावा हम गेम के बाकी सारे एलिमेंट्स की बात कर ले, जैसे कि हगी वगी का जो कैरेक्टर था, तो एक ऐसी थ्योरी निकल के आ रही है कि जो हगी वगी जो है वो असल में एक जिंदा जीव है और उसे वैसे टाइप का बनाया गया हो, तो ये काफी ज्यादा साईफाई भी जा सकता है। अब इसके बारे में कुछ ज्यादा हमें डिटेल नहीं मिली है और पॉपी जो है वो अब आजाद हो चुकी है, तो अब जो भी चीजें होगी वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपको मेरा फ्यूचर कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स तो ओपन है ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime!